आफ्टर कटिंग एंड क्लीनिंग द फिश यू हैव टू मैरिनेट इट, और मैरिनेट करने के लिए हम इसको मैरिनेशन में रखेंगे ओवर नाइट। उसके बाद हम गैस को करेंगे ऑन और उस पर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे तेल। एंड नॉट टू फॉरगेट, कढ़ाई थिक बॉटम वाली होनी चाहिए क्योंकि वी आर डीप फ्राइंग द फिश। दिस इज हाउ द फिश लुक्स लाइक आफ्टर बींग इन द मैरिनेशन ओवर नाइट। सो वेन द ऑयल इज हॉट एंड रेडी, हम अब इनको एक एक करके ऑयल में ऐड करते जाएंगे, और यू कैन सी दे हैव सोक्ड अप द जूस इज वेल। अंदर बनाने का मेरा मकसद तो था नहीं, क्योंकि यू नो वी फोकस मोर ऑन द आउटडोर कुकिंग, बट द सर्कमस्टांसिस मेड मी टू डू सो, क्योंकि बाहर जो वेदर था काफ़ी ख़राब था, कभी बारिश हो रही थी कभी बर्फ़ पड़ रही थी, तो वेदर वॉज नॉट फेवरेबल एट ऑल। अब 10-15 मिनट तक इसको फ्राई होने देना है, और जो चमचा या कड़छी है इसको आपको ऐसे कर्लिंग मोशन में साइड से नीचे से लाकर खिलाना है इन पीसेस को, क्योंकि अगर आप इनको रिग्रेसली करेंगे तो ये टूट सकते हैं, दे आर वेरी फ्रेजल, और इन पे आराम आराम से क्रश डेवलप होने लगेगी और कलर में आएंगे। सो दिस इज हाउ योर फाइनल प्रोडक्ट शुड लुक लाइक, एंड आवर फिश इज रेडी टू बी एंजॉयड आउटसाइड। अब अंदर बना तो लिया, लेकिन खाने का जो मज़ा है ना साहब, वो खुले आसमान के तले ही है, अंदर मज़ा नहीं आएगा। तो अब दिल तो बहुत कर रहा था बाहर बनाने का, लेकिन वेदर थोड़ा बोला कि भाई साहब आज बनाने नहीं देंगे, तो चलो कोई बात नहीं, आप भी ज़रूर बनाएं और खाएं, हाँ अकेले नहीं प्यारों के साथ। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कैसा बना है, अंदर से बिल्कुल जूसी जूसी। इसको रायते में डिप करेंगे और मुंह में डालेंगे। ओ जिंदाबाद मुश्ताक पुत्र, मजा ही आ गया। जिंदाबाद। आए हाय 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 हाय।